मुंबई के गोरेगांव स्थित आरी कॉलोनी क्षेत्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से 7, 8 और 30 नवंबर को रोड की खस्ता एवं बड़े बड़े गड्ढों की समस्याओं को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों स्थानिक लोगों ने इकट्ठा होकर प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए एवं जल्द से जल्द रोड बनवा कर देने की मांग की। दरअसल मनपा 2017 के चुनाव नजदीक आने की वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, जिसके चलते मनसे ने अपनी स्टाइल में मोर्चा निकाला। पेश हमारे मुंबई के संवाददाता सत्य प्रकाश की खास रिपोर्ट। अभी आरे प्रशासन ने गेले कित्येक साल से अपना इंटर रोड आज तक बनाया नहीं। हम लोगों ने आज 30 नंबर शिवाजी नगर और रॉयल ब्राम का गेट के ऊपर जो रास्ता है उसके ऊपर हम लोग आज आंदोलन किए। इसका मतलब है कि आप जब सीधा रोड से जाएंगे रॉयल ब्राम का गेट तक, तो आप रोड का क्या दुर्दशा है, क्या कंडीशन हुआ है, ये आपको भी मालूम है, आप खुद पर्सनल देखने को जाओ। हम लोग आज कितना दिन से अपना रॉयल आरे प्रशासन के पास गए थे कि बाबा तुम लोग ने इसके ऊपर बजट किया का? नहीं मैडम, हम लोग ने बजट किया है, हम लोग के पास बजट है, पर हम लोग आज कल दो दिन के बाद हम लोग काम करेंगे। आज गले 1.5 साल से हम लोग उनके पीछे पड़े, फिर भी उन्होंने आज तक दखल लिया नहीं। हम लोग 4 दिन पहला ये आरे प्रशासन का पूरा परिसर में हम लोग हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने का बैनर लगाया, तभी ये प्रशासन को जा गया बांधकाम अधिकारी उनको, और उन्होंने पूरा आधा रोड के ऊपर खड़ी रेती और पाइप डाले। ये डालने से पूरा इधर का पब्लिक खुश नहीं है कि ये सब ऐसे ही करते, कि आज पैच करेंगे, उधर रेती डालेंगे, उधर सीमेंट डालेंगे, उधर मट्टी डालेंगे। ये आज 5 साल से हम लोग देख रहे वही 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 काम कर रहे। आज हम लोग निर्धार किए, जब तक प्रशासन का आरे का प्रशासन इधर आएंगे और हम लोग को खुद बोलेंगे कि हम लोग अमुक 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 दिन में काम करेंगे, तब तक हम लोग इधर लेडीज लोग बिल्कुल उठने वाला नहीं। उनके तरफ से हम लोग लिख के लेने वाले कि आप काम कभी शुरू करेंगे, वो काम जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारा वैसा ही मोर्चा रहेगा। एक्सिडेंट वगैरे होतात, हे कोणी लक्षात देत नाही, आणि परत आम्हाला एवढं काचेचे आमच्या दिवे वगैरे पण नाही आहेत, म्हणजे काचे तुम्ही तुमच्यासाठी काहीतरी करा, त्याच्यानंतर आम्ही काहीतरी तुमच्यासाठी करू शकतो ना। आरे प्रसन्न आम्हाला रस्ता म्हणून दिले पाहिजे, अनेक अडचणींना आम्ही तोंड दिलं, आणि आम्ही त्या आरे प्रसन्न जागा करायचं, ते का अजून झोपलेत का? हा त्यांना आम्ही जागा करा, उठा उठा आणि आम्हाला रस्ते म्हणून द्या। ते या रस्त्यावर काही येत नाही, गाडी घेऊन येत नाही, त्यांना एवढं दिसत नाही का? डोळ्याने दिसत असतानाही ते न बघता हे करतात, आणि आता कधी आणून टाकले आम्ही आंदोलन केल्यावर? हा आता गाडी झाले, किती वर्ष झोपलेत ते, त्यांची सत्ता काय करते? सर्व यांचे आमदार शिवसेना नगर असे त्यांच्या हातात असतानाही गेलो। ये जो रोड टूटा है बारिश के पहले से ही टूटा हुआ है, और रोज कम से कम 1 से 2 एक्सीडेंट होते हैं, और उसके बाद भी आरे प्रशासन में कहा जाता तो वो लोग को ध्यान तो देते ही नहीं है, और उनको कहने जाओ तो देख के आते हैं तो थोड़ा सा डामर लेते हैं फिर वहाँ डाल देते हैं, फिर अगर लॉरी आता है बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ तो आते जाती रहती, फिर वापस टूट जाता है। मतलब आना जाना हम लोग का हमेशा लगा रहता है, लेकिन ध्यान किसी का भी नहीं है। अगर कोई गिरे तो कम से कम 1-2 एक्सीडेंट होता है। अभी थोड़ा टाइम पहले, आधा घंटा पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ, 2 लड़के लोग को लगा, हम लोग ने उठा के भेजा, लेकिन इसके बारे में प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है, और हम लोग कितना भी कुछ कर रहे हैं लेकिन वो कुछ करती नहीं। इसीलिए हम लोग आंदोलन लिए, जब तक काम नहीं चालू होगा तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। अरे प्रशासन की तरफ से अभी कोई मिलने के लिए कोई फोन? कोई नहीं, कोई नहीं आया, कोई मिलने भी नहीं आया है। ये जो रेती सीमेंट डाल देते हैं, जो रेती सीमेंट डालते हैं ना, उससे भी बहुत बड़ा समस्या हो जाती है कि वो रोड पे आ जाता है, उससे भी एक्सीडेंट और ज्यादा होने लगता है। मतलब रेती अगर सीमेंट अगर डालते हो आप तो उसको तुरंत बनाना चाहिए ना, अगर रोड पे वो आ गया तो गाड़ियां फिसलती है, फिसलने को जैसे एक्सीडेंट होती है। अब थोड़ा दिन पहले यहाँ पे गटर का भी काम हुआ हुआ हुआ, आरे प्रशासन नहीं कर रहा, पाइप ला के रखा हुआ है, 5-10 दिन से पाइप रखा है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है, वो भी प्रॉब्लम बहुत है।